गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू वाईफाई स्टडीज स्मार्टफोन अकेडमी। स्वागत करता हूँ आप सभी का अनादि गौतम। क्या हाल है भाई? अनूप, नेहा, विकास गुप्ता और एक कौन है भाई? था कौन है? था हंटेड कुछ करके है, हरियाणा से है कोई। सब हरियाणा वाले हैं, सब इंडिया वाले हैं, सब यूपी वाले हैं, सब सब यहीं वाले हैं। बैटरी लो है अनूप कुमार जी? किसकी बैटरी लो है भाई? अब मुझे ये बता दो, सब सही चल रहा है? आवाज़ वगैरह सब ठीक आ रही है? तो जल्दी से क्लास को एक बार कर देंगे आप शेयर। आवाज़ वगैरह सब बढ़िया है? बैटरी लो साइकात, गुड आफ्टरनून बेटा। बैटरी चार्ज कर लो, बैटरी लो है तो। और हाँ, अनअकैडमी पर भाई हमारा बैच स्टार्ट हुआ है। अनअकैडमी पर टाइम है उसका मॉर्निंग 10 AM एंड 7 PM। इस पर दो बैचेज हैं। 6 PM पर स्पेशल बैच है। स्पेशल बैच होता है फ्री वाला, उसमें ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। और 10 AM और 7 AM वाला जो होता है वो आपका पेड कोर्स है, ऑल SSC एंड अदर एग्जाम को ध्यान में रखते हुए किया गया। ऑल ओके, चलिए बहुत बढ़िया। उसको ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, मेरा कोड होता है ANADIYT अनादि 10। ये कोड आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा 7 मिनट ट्रिक वाला चैनल है। उसके अलावा बैंक एग्ज़ाम, SSC एग्ज़ाम, लाइव टेस्ट, डिफेंस एग्ज़ाम सबके लिए, 9 से लेके 12 तक की क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए भी सेम कोड यूज़ कर सकते हैं, ANADIYT। ठीक, ये कोड आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ऑल ओके, राम राम जी, अरुण कुमार जी, ये लिखा हुआ है क्लियरली। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए कोई भी कोर्स। अच्छा, पहला क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं हम लोग क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, ये रिविजन क्लास ही आपकी होती है जो हम लोग पूरे वीक में पढ़ चुके हैं। जय माता दी, भारत माता की जय। देश के किस सबसे उम्रदराज क्रिकेटर का 100 ईयर्स की एज में निधन हो गया? विच ओल्डेस्ट क्रिकेटर ऑफ द कंट्री रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 100? जल्दी से बताइए। बिशन सिंह बेदी, बसंत राय जी, भागवत चंद्रशेखर जी, विश्वनाथ, कौन थे? कुछ पूछना है अर्नब, बता दो बेटा क्या पूछना है। टेलीग्राम पे मैंने लिंक भी दे रखा है, उसमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो आप लोग मेरे को, है ना, पर्सनल मैसेज कर देना, पता लग जाएगा। बसंत राय जी। नेक्स्ट आता है विश्व रक्तदान दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे इसी महीने में होता है, तो कब मनाया जाता है? 20 जून, 25 फरवरी, 10 मार्च, 14 जून। मैंने आपको हिंट दे दिया कि इसी मंथ में होता है। अर्नब बताओ बेटा क्या है, क्या पूछना था? बसंती नहीं, बसंत, प्रिया बसंती नहीं है, ये बसंत है। बताइए जल्दी से क्या होता है, कौन सा है इसका सही आंसर? नहीं, बी नहीं है, जून में होता है, 14 जून, है ना, कब है? 14th of June। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित निम्न में से किस उर्दू शायर का 93 साल की उम्र में डेथ हो गया? पद्मश्री अवार्डेड विच ऑफ द फॉलोइंग उर्दू पोइट हैज डाइड एट द एज ऑफ 93? ए एम जुत्सी गुलजार, जावेद अख्तर, मोहम्मद इकबाल या मजहर इमाम? मोहम्मद इकबाल तो भाई वो रहे हैं जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा लिखा था, इंकलाब जिंदाबाद लिखा था, है ना, क्या लिखा था, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, ब्लड सेव सेव लाइफ, ठीक बात है, सेव ब्लड सेव लाइफ, ये है AM, बिल्कुल सही बात है, गुलजार। लेकिन ये वो वाले गुलजार नहीं है, ये वो वाले गुलजार नहीं है जो बहुत सारे गाने वगैरह लिखते रहते हैं, वो अलग हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कानपुर स्थित किस बैंक की कमजोर वित्तीय स्थिति के दबाव के कारण उसके ऊपर 6 महीने के लिए ऋण लेने देने और जमा स्वीकार करने पर रोक लगा दिया है? द RBI हैज स्टॉप्ड ग्रांटेड न्यू लोन एंड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फॉर 6 मंथ विच बैंक बेस्ड इन कानपुर ड्यू टू इट्स वीक फाइनेंशियल कंडीशन? जल्दी जल्दी बताइए बेटा। गुड मॉर्निंग सर जी, नाइस क्लास सुप्रिया जी, सत्यपाल जी। पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक, देना बैंक, PMC बैंक, यूको बैंक, तो पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक है। कोऑपरेटिव बैंक से काफ़ी हालत वैसे भी खराब चल रही है, फंडिंग की बहुत कमी है, पैसे की बहुत कमी है। कहाँ पर है? कानपुर में है ये। हाल ही में नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का हेड अपॉइंट किया? इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली नासा हैज अपॉइंटेड विच वुमेन एज द हेड ऑफ द स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम? जल्दी से बता दिए, प्रणाम भाई, प्रणाम। तो क्या नाम है, कैथी ल्यूडर्स बोल रहे हो ना? बिल्कुल सही है शिम्पी बेटा, बिल्कुल सही है, कैथी ल्यूडर्स है।
नेक्स्ट है, वर्तमान में सीजीआई को शामिल करते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं, है ना? अगर ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करता है, किसकी बात करता है बेटा, अगर ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करता है, अभी तो कुछ सीट खाली चल रही है, तो होती है आपकी 33+1। पहले 31 था, पहले 30+1 था, पहले कितना था, 30+1 था, लास्ट ईयर बढ़ा के इसको 34, 34 कर दिया गया। अभी फिलहाल कुछ सीट खाली चल रही है तो 32 है, अभी कितना है, 32 है। और जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, हाँ जल्दी से एक बार क्या करोगे, शेयर तो कर ही दो कम से कम। मेरा डिफेंस एग्जाम वाला जीके क्लास, हाँ बेटा वो बंद हो गया है, वो क्लास अभी बंद हो गया सुनील, बाकी क्लासेस जो चल रहा है वो एक बार देखते रहो। अश्विनी खाड़ी में बने ट्रॉफी नहीं, ये वाली क्लास सैटरडे संडे अभी बेटा ठीक है ना, अभी ठीक है, अभी बिल्कुल ठीक है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्लास जो होती है ना, मैं आपका बता देता हूँ, जिसने भी पूछा था, क्लास देखो 9 AM, चैनल है हमारा बेटा वाईफाई स्टडी 2.0। इस पर करंट अफेयर्स कराता हूँ मंडे से फ्राइडे। 11 AM पर एसएससी की क्लास चलती है, अभी तो ठीक है, अभी कोई बफरिंग नहीं है, अभी सही है। वो होता है आपका चैनल है भाई वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट। वाईफाई स्टडी क्या होता है बेटा, लाइव टेस्ट होता है। आप कहाँ है बफरिंग, तो ठीक है, अभी तो सही है, ऑल ओके है, अभी बफरिंग नहीं है फौजदार जी, अभी ठीक। आप एक बार रिफ्रेश अपना कर लो। तो लाइव टेस्ट पर 11 AM होती है, 6 PM पर आज भी है अनअकैडमी, अनअकैडमी फ्री क्लास होती है स्पेशल बैच के नाम से, ठीक है। मेरी प्रोफाइल पे जाओ, फॉलो करो, स्पेशल क्लास आपको मिल जाएगी। उसके अलावा अनअकैडमी पर मेरी और क्लासेस है भाई, ये अच्छा ये वाली जो क्लास है हो जाएगा, हो जाएगा, वेट 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 वेट, जैसे ही बच्चे आते हैं वैसे चली जाती है। अभी ठीक है, अभी ठीक है बेटा, अभी ठीक है। अभी ठीक है, तो देखो जल्दी जल्दी बढ़ते हैं फिर भाई। भारत के सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई कौन थे, जल्दी से बताइए। हाँ एच जे कानिया, ये डी वाला ऑप्शन है। बाकी आपके जीवी मावलंकर जो थे वो कौन थे, फर्स्ट स्पीकर थे लोकसभा के, हाँ। और ये जज रहे हैं, सीजीआई ही रहे, लेकिन बाद में एक सरकार रहे थे, और देशमुख साहब जो रहे हैं वो गवर्नर रहे आरबीआई के। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, 9th 5-year प्लान 1997 से 2002 तक था, 10वां जो था 2002 से 7 तक था, 11वां आपका 2007 से 12 तक था, और 8th 5-year प्लान जो था 95 से 2000, कौन सा रॉन्ग है बेटा। विन्नी ये क्लास सैटरडे संडे होती है, मैंने क्लास का भी टाइम बताया था ना, सैटरडे एंड संडे होती है इसी टाइम पर 1:30 PM पर। बाकी मैंने क्लास का भी टाइम इससे पहले वाली स्लाइड में बताया है, अगर अभी लेट आए हो तो एक बार चेक कर लेना, है ना। हाँ 8th 5-year प्लान है भाई, 8th 5-year प्लान का जो टाइम है 1992 से लेके 1997 के बीच का था। इसको राव मनमोहन सिंह साहब और नरसिंह राव के नाम पर बोलते हैं, राव मनमोहन मॉडल, राव मनमोहन मॉडल। एलपीजी को इसी में अच्छी तरीके से लागू किया गया था सिंगानिया। हाँ लेट हो बेटा लेकिन आ गई हो, बहुत अच्छी बात। हाँ ठीक है। स्पेस एक्स ने एक और फाल्कन का उपयोग करके कितने नए इंटरनेट उपग्रहों को लॉन्च किया है, हाउ मैनी न्यू इंटरनेट सेटेलाइट हैज स्पेस एक्स लॉन्च्ड यूजिंग अनदर फाल्कन 9, मतलब फाल्कन 9 के द्वारा कितने, जल्दी जल्दी बता दीजिए, 50, 60, 25 या 40, 50, 60, 25 या 44, तो कितने हैं जल्दी बताइए भाई। वैशाली, सिंपी, और एक बार सेशन को शेयर कर दो, कितना है बेटा, 60 है, कितना है, 60 है भाई, है ना, 60 है, 44 नहीं है बेटा, 60 है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद न्यायाधीश की नियुक्ति से रिलेटेड है, और ये भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश की बात कर रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट का जज दे रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए जो आर्टिकल होता है वो होता है 124, इसमें सुप्रीम कोर्ट भी मेंशन है, उनका अपॉइंटमेंट भी मेंशन है, उनका रिटायरमेंट भी मेंशन है, उनका रिमूवल भी मेंशन है ना, उनकी क्वालिफिकेशन भी मेंशन है, सब इसी में है सुप्रीम कोर्ट के लिए, लेकिन हाई कोर्ट वाले के लिए चेंज होता है।
तो बताओ भाई हाई कोर्ट कौन सा वाला है, 214, 17, 16 या 226, कौन सा वाला है? जल्दी जल्दी बताइए, है ना? अभी ठीक है, अभी कोई बफरिंग नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा 217 है ना, बिल्कुल ठीक है। हाई कोर्ट आपका मेंशन इसमें किया गया है, 226 भी याद रखना, इसमें रिट इश्यू करता है हाई कोर्ट, है ना। चलो नेक्स्ट बात है, लोकायुक्त और उपलोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? लोकायुक्त जो होता है एम्बुड्समैन बोलते हैं उसको अदर कंट्रीज में, है ना। आपकी फर्स्ट क्लास है डिविशन कुमार, तो बेटा एक काम करना, सैटरडे से संडे तो ओनली ये दो ही क्लास, इसी टाइम पर एक क्लास रहती है सैटरडे संडे 1:30 बजे, और बाकी दिन आप 11 बजे मिला करो, 11 बजे और 9 बजे। वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट और 2.2 पर, मैं उसमें टेलीग्राम लिंक है उसमें डाल देता हूँ। तो भाई गवर्नर साहब करते हैं, कौन करते हैं? बिल्कुल सही है, गवर्नर। ऐसे ही कौन होता है? ऐसे ही होता है भाई लोकपाल। ऐसे ही कौन होते हैं? लोकपाल अभी पहली बार ये अपॉइंट हुआ है, इसे प्रेसिडेंट करेंगे। लोकपाल को कौन करेंगे? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। अभी कौन हुए हैं? अभी कौन हुए हैं किसी को पता है तो बताओ? पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष हुए थे अभी, ठीक है ना। और पहला स्टेट जिसमें लोकायुक्त आया था, महाराष्ट्र वॉज फर्स्ट स्टेट, महाराष्ट्र में सबसे पहले आया था फर्स्ट स्टेट। ये जो काम करता है करप्शन को स्टॉप करने वाला है। आपकी विशाल झा, आपकी भी पहली क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है, बस रेगुलर क्लास करते रहो। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री का नाम बताओ जिन्होंने देश में कोरोना वायरस के खत्म होने का ऐलान कर दिया है। नेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड हु डिक्लेयर्ड एंड द कोरोना वायरस इन द कंट्री, जैसिंडा अर्डेन या निकोलस सर्गेई या रूपर्ट मर्कोड या इनमें से कोई नहीं। बड़ा हाईलाइटेड रहा है। 11 बजे बेटा विभीषण, 11 AM पर मंडे से फ्राइडे क्लास होती है वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट पर, वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट पर। और 9 AM पर की जो क्लास होती है वो करंट अफेयर्स की होती है, यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कराता हूँ, वो वाईफाई स्टडी 2.0 पर। और 6 PM पर फ्री क्लास होती है अनअकैडमी पर स्पेशल सेशन में। और उसके अलावा आप इस कोड को यूज करके अन अकेडमी पर मेरे और भी बैच कर सकते हो, 6 PM के अलावा 7 PM, हाँ, और उसके अलावा 10 AM। चलिए तो ए आंसर करेक्ट है, जेसिंडा अर्डेन, जेसिंडा अर्डेन इज द करेक्ट आंसर। मर्सर के अकॉर्डिंग 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? अकॉर्डिंग टू मर्सर 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे विच ऑफ इज द फॉलोइंग द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन इंडिया? जल्दी जल्दी बता दो बेटा, मुंबई, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, कौन सा है? जल्दी से बताइए, मुंबई, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई, मुंबई करेक्ट आंसर। विकास और कौन है? स्नेहा, हाँ बिल्कुल सही आंसर जा रहे हैं सभी लोगों के। किस देश ने मानव रहित समरसेबल या सबमरीन ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु का गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया? कौन है? नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कौन सा कंट्री है? माया नगरी सिंघानिया गौतम जी, बिल्कुल सही बोल रहे हो, माया नगरी बॉलीवुड सिटी के नाम से जानी जाती है, मुंबा देवी का शहर भी कहा जाता है ना, मुंबा देवी का शहर भी कहा जाता है। चाइना इज द करेक्ट आंसर, चाइना इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहता भाई, किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार के लिए रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द रोजगार सेतु पोर्टल टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट फॉर माइग्रेंट वर्कर? जो माइग्रेंट वर्कर है उनके लिए कौन सा? बिहार, पंजाब, कर्नाटक या मध्य प्रदेश? जल्दी से बताइए, कोरोना के चक्कर में सब कुछ हो रहा है, कोरोना से जॉब चली गई, बहुत सारे बेचारे लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत सारे लोगों का काम धंधा चौपट हो गया। तो क्या आंसर है? किसने किया है? डी, मध्य प्रदेश ने किया है। किसने किया है? मध्य प्रदेश ने किया, बिल्कुल सही है। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार के लिए स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी किसने? हु सेट अप स्वदेश बांधव समिति टू प्रोपगेट स्वदेशी मूवमेंट इन 1905 1906? 1905-6 में ऐसा हुआ था। कब हुआ था? 1905-6 में ऐसा हुआ था। कोई बफरिंग नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है ना, क्लास सही है, कोई बफरिंग नहीं है, सब कुछ सही है। त्रियोगी लाल कहाँ गायब हो गए थे भाई, मेरे द्वार तो तुम आ गए। तो कौन है भाई, इसका आंसर क्या है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, जीके गोखले या अश्विनी कुमार दत्त? गोखले नहीं है बेटा, अश्विनी कुमार दत्त हैं। जीके गोखले तो 1905 के बनारस सेशन के अध्यक्ष थे, जहां पर स्वदेशी का
ड्राफ्ट तैयार किया था, बनारस सेशन के क्या थे? अध्यक्ष थे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। बनारस सेशन के कौन थे? अध्यक्ष, 1905 वाले के, जहां पर स्वदेशी का ड्राफ्ट तैयार किया था। स्वदेशी का क्या किया था? ड्राफ्ट तैयार किया, ड्राफ्ट। स्वदेश बांधव समिति बनाई थी अश्विनी कुमार दत्त ने। और ये जो गोखले हैं, इन्होंने, जो बता देता हूँ क्या बनाया था, इन्होंने बनाया था इसी टाइम पर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, बताया हुआ है मैंने क्वेश्चन आपको पहले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी, भारत समाज सेवक संघ भी कह देते हैं उसको। किसने? गोखले ने, जो आप लोग बोल रहे हैं, लेकिन आंसर इसका अश्विनी कुमार दत्त है। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय? एट प्रेजेंट हाउ मेनी हाई कोर्ट आर देयर इन इंडिया? 25, 21, 28 या 29? फिर मैं आपको बताऊंगा सबसे नए वाले कौन से हैं, है ना। हाँ, सबसे नए वाले कौन से हैं, उसी को भारत समाज सेवक संघ बोलते थे, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को। भाई कितने हैं? अच्छा, सबसे पहले वाले मैं लिख दे रहा हूँ बेटा, है ना। सबसे पहले वाले तीन बने थे 1862 में। पहला था कलकत्ता, दूसरा था बॉम्बे, जिसे आज मुंबई के नाम से जानते हैं, कलकत्ता को कोलकाता के नाम से जानते हैं, और तीसरा था मद्रास, जिसे चेन्नई कहते हैं। अभी हैं 25 न्यू वाले, जो हैं जस्ट न्यू। 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों का अलग अलग कर दिया, तो आंध्र प्रदेश का नया है, तेलंगाना का पुराना वाला जो था उसी को नए रूप में लेके आ गए। ये भी 1 जनवरी 2019 से हुआ है। बाकी 2013 में तीन आए थे, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ये तीन नए ये वाले थे, तो ध्यान में रखना, सबसे नया वाला आंध्र प्रदेश का मान के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है? कृषक आंदोलन के दौरान बिजौलिया किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? बिजौलिया मूवमेंट हुआ था, आंदोलन हुआ था, फार्मर मूवमेंट था, बिजौलिया नाम का आंदोलन किया था। पहले वहीं के राजा के खिलाफ हो गया था, बाद में अंग्रेजों के खिलाफ हो गया था। कौन है? केरल, असम, उड़ीसा या राजस्थान? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, बिल्कुल हल्की सी बफरिंग हो तो वेट कर लेना। बफरिंग तो नहीं है, हैं? कोई बफरिंग तो नहीं है बेटा। जो तेलंगाना बनाया है वो बना था 1 जून 2014 को। हम बात कर रहे हैं हाई कोर्ट की, हम जो बात कर रहे हैं वो हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं। मुझे ये बताओ कोई बफरिंग तो नहीं है, है क्या? मुझे लगा था ऐसा हल्का सा। ठीक है, हाँ जी, हाँ देखिए एक बार, बफरिंग नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए करते हैं आगे, बिल्कुल सही है बेटा, कोई बफरिंग नहीं है। हाँ जी, करेक्ट आंसर है भाई राजस्थान। इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल क्या है बेटा? राजस्थान है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सहायक संधि जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? सब्सिडरी अलायंस। क्या नाम देते हैं? सब्सिडरी अलायंस। कौन लेके आया था? लॉर्ड वेलेंजली लेके आया था, दोस्ती के नाम पर, हेल्प करने के नाम पर स्टेट को हड़प लेते थे। ठीक, सबसे पहले 1798 में सबसे पहले हैदराबाद के साथ में किया था। तो ये जो बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मराठा कौन था? क्वेश्चन जो बोल रहा है क्या था? मराठा कौन था जिसको स्वीकार किया, जिसने अंतिम रूप से, होता बेटा होलकर। कौन था? होलकर था, होलकर, होलकर था। कोई नहीं बेटा, आप उस पे ध्यान मत दो, आप लोग उस बच्चे पे ध्यान मत दो, जो प्रिया जाने दो उसको, वो हो गया, उसका जो होना था वो हो गया, टेंशन मत लो, है ना। वो ऐसे ही लोग आते जाते रहते हैं, आप लोग बस पढ़ाई पे ध्यान दो। नेक्स्ट होता है रोडी साइंड। ये जो होता है भाई, क्या होता है? कीड़े मारने की दवा, मेडिसिन टू किल एनिमल, या लुब्रिकेंट, या पेस्टिसाइड होता है, क्या होता है? जल्दी जल्दी बता दो। नहीं, बफरिंग नहीं है, बिल्कुल ठीक तो चल रही है क्लास, अब तो बिल्कुल सही है, कोई बफरिंग वफरिंग नहीं है। तो
तो भाई ये क्या होता है बेटा, ये पेस्टिसाइड होता है। क्या होता है? पेस्टिसाइड होता है, चूहे मारने की दवा भी यही होती है ना, चूहे मारने की जो दवा होती है, कुतरने वाली जो चीज होती है उनमें यूज मोस्टली की जाती है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एथलीट हिमा दास का नाम खेल रत्न, खेल रत्न होता है राजीव गांधी, राजीव गांधी खेल रत्न प्राइज जो होता है के लिए खेल मंत्रालय को भेजा है। हिमा दास कौन सी एथलीट है, उनका नाम है हिमा दास। हिमा दास को भेजा गया किसके लिए? राजीव गांधी खेल रत्न प्राइज के लिए। असम, बिहार, केरल या कर्नाटक? आप इस चैनल पे क्लास लीजिए, कौशिक बात तो ठीक है बेटा, इसीलिए सैटरडे संडे क्लास में लेके रखता हूँ, है ना। इस बार पहले होती थी, अभी बाकी कुछ और लोग क्लास ले रहे हैं। नेक्स्ट, इसके बाद माता भाई, चुनाव आयोग ने बिहार विधान परिषद की रिक्त हो रही कितनी सीटों पर 6 जुलाई 2020 को चुनाव कराने की घोषणा की है? हाउ मेनी सीट्स आर बीइंग वैकेटेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल अनाउंस टू होल्ड इलेक्शन 6 जुलाई? 10, 2, 9 या 5, कितना है? हाँ, बजरंग को भी किया, कई लोगों को किया है, कोहली को तो बेटा पहले ही मिल चुका है, कोहली को नहीं। अच्छा, ये बोल रहे हो कोहली को 2019 में 18 में मिला था, हाँ ठीक बोल रहे हो विकास, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बजरंग और दीपा को मिला था 2019 में, बिल्कुल सही है। तो भाई इसका आंसर है 9। कितनी सीट है? 9 सीट है बेटा, 5 नहीं है। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कितनी एज होती है, रिटायरमेंट की पूछ रहा है। तो बेटा हाई कोर्ट के जो हैं वो तो हैं 62 साल, सुप्रीम कोर्ट के जो होते हैं उनके लिए कितनी एज होती है जल्दी से बता दीजिए। सर 60 वाला क्लास, बेटा 60 का तो अभी कोई क्लास नहीं है मेरा, देखते हैं। एज ऑफ 62 ईयर्स टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स और 5 ईयर कौन सा होगा, या 65 वर्ष की उम्र तक खाली, या 65 वर्ष और 3 वर्ष जो भी पहले आए। तो बेटा हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक है, ठीक है बेटा, अभी ठीक है, अभी ठीक है। सीपीओ की क्लास प्रवीण, देखते हैं बेटा सीपीओ वाली क्लास करते हैं स्टार्ट, है ना। अभी देखिए सही है बिल्कुल, फिर से करते हैं स्टार्ट, अब ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना स्नेहा। चलिए, तो भाई भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है, सैलरी ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कितनी होती है? 2,80,000, 2,50,000, 1,10,000, कितनी होती है? अब नेट का इश्यू हो जाता है, अभी ठीक है बेटा, सीपीओ का बैच स्टार्ट कर दो, आप ही पढ़ाना। चलिए करते हैं बात बेटा प्रीति, इसका करेक्ट आंसर भाई 2,80,000 रुपये मिलता है चीफ, किसको? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नाम से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल स्टार्ट किया है, बाई वॉट नेम? बाई वॉट नेम द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड द हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल आरोग्य पथ, हम सेतु, हम सफर या संजीवनी, कौन सा है जल्दी जल्दी बताइए, कौन सा है जल्दी से बताइए। करेक्ट आंसर है आरोग्य पथ, बिल्कुल सही है आरोग्य पथ, ये जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। भौगोलिक संकेतक टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा था? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब होता है जीआई टैग। देखो वैसे तो एक इंडिया में एक एक्ट काम करता है इसके लिए, 1999 में एक एक्ट पास किया गया था, बट WTO के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होता है ये। तो कौन है, अरन मुला कनंदी या दार्जिलिंग टी या कटारनी राइस या मधुबनी पेंट, क्या है जल्दी से बताइए। सबसे पहले किसको मिला था? दार्जिलिंग टी को मिला था बेटा, किसको मिला था? दार्जिलिंग चाय को मिला था। कौन देता है ये भौगोलिक संकेत जीआई टैग जो देने वाला है, तो वो वैसे तो कौन दे रहा है, WTO के थ्रू होता है उसके डायरेक्शन से, बट इंडिया में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के अकॉर्डिंग मिलता है, ठीक है, तो याद रख लेना। नेक्स्ट है भाई, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत की संसद से रिलेटेड है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की संसद, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में मेंशन की गई है? इंडियन पार्लियामेंट हमारी 3 चीजों से मिलके बनी होती है, भारत की संसद जो कि किसका एक पार्ट है, लेजिस्लेचर का एक पार्ट है, किसका पार्ट है, लेजिस्लेचर का एक पार्ट है, ठीक है ना, विधानमंडल का। तो पार्लियामेंट में 3 चीजें होती हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसका सही आंसर होता है 79 आर्टिकल में मेंशन किया गया है। राज्यसभा जो होती है वो 80 में, आर्टिकल नंबर किस में, 80 में, 81 में लोकसभा है, प्रेसिडेंट साहब 52 आर्टिकल में। नेक्स्ट है, यह कथन किसने कहा था कि अंग्रेजों ने बंगाल में 1765 से 1772 के बीच लुटेरों का राज्य स्थापित कर डाला?
जल्दी से बताइए किसने ऐसा कहा था। और इस टाइम पर बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली चलती थी, बंगाल के नवाब के नाम पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सब कुछ करती थी, EIC जो थी वो सब कुछ करती थी। बैटल ऑफ बक्सर के बाद की कहानी है, इलाहाबाद की संधि के बाद क्या शुरू हुआ था, द्वैत शासन प्रणाली, द्वैत शासन प्रणाली का टाइम है ये, रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट किया था, ठीक है ना। KM पंडिकर साहब ने कहा था, ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं इसको, ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मतलब क्या है कि एक तरफ तो ब्रिटिश है सरकार के रूप में और एक तरफ बंगाल का नवाब है, तो दोनों में पावर बटी हुई थी, तो दोनों अपना अपना फायदा सोचते थे। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की परिषद मतलब राज्यसभा की संरचना से और उसके सदस्यों के चुनाव के तरीके से संबंधित है, 82, 81, 99 और 80। अभी अभी बताया था मैंने आप लोगों को कि राज्यसभा का आर्टिकल कौन सा होता है, पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था, जल्दी से बता दो, टाइम भी हो रहा है हमारा। आर्टिकल नंबर बेटा 80 है, कौन सा है, आर्टिकल नंबर 80। कौन सी देसी रियासत को व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत अंतर्गत नहीं किया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिजिनियस प्रिंसली स्टेट वॉज नॉट एक्वायर्ड अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आया था जिसमें किसी भी राजा का अगर अपना कोई बेटा नहीं होता था, जिस भी राजा का अपना बेटा नहीं होता था, रियल सक्सेसर नहीं होता था, तो उस पर कब्जा कर लेता था। तो सतारा सबसे पहला स्टेट था, ये पहला स्टेट है, बाकी बहुत सारे में किया था, झांसी, करौली, जयपुर, संबलपुर, नागपुर, लेकिन पंजाब नहीं था भाई। जो पंजाब था, पंजाब को युद्ध के द्वारा किया था, किसके द्वारा, युद्ध के द्वारा किया था, वॉर कराया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विधेयक के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां समाप्त कर दी गई, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग बिल ट्रेडिंग एक्टिविटी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर एबॉलिश्ड, कंप्लीटली एबॉलिश्ड की अगर बात कर रहा है ये, कंप्लीटली अगर कहता है, कंप्लीटली है ना, तो वही आपका है कि कंप्लीट मोनोपोली की बात कर रहा है ना, कंप्लीटली मोनोपोली जो खत्म हुई थी वही वाला बोल रहा है, उसी को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। 1833 का चार्टर एक्ट था, 1813 वाले में टी और चाइना के व्यापार को छोड़कर बाकी सब कर दिया था, तो सारा का सारा पूरा समाप्त 1833 वाला हो गया। CPO बेटा करेंगे, प्रीति बात कर लेंगे, ठीक है। राजस्व बंदोबस्त की महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किस स्थान से हुई, फ्रॉम विच प्लेस डिड द महलवाड़ी सिस्टम ऑफ रिवेन्यू सेटलमेंट बिगेन, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, उत्तर पश्चिमी प्रांत। महलवाड़ी में क्या होता था, पूरा विलेज को एक यूनिट मान लेते थे और टैक्स यही देता था पूरा विलेज। तो ये कहाँ पर हुआ था भाई, ये तीन टाइप के इंडिया में सिस्टम चल रहे थे, उसमें ये वाला था उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, हॉल्ट मैकेंजी ने किया था, किसने किया था, हॉल्ट मैकेंजी ने स्टार्ट कराया था इसको। बंगाल में बेटा परमानेंट था, है ना, बंगाल में क्या था, परमानेंट था। मद्रास में रैयतवाड़ी था, रैयतवाड़ी, ऐसे ध्यान में रखो, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत बिल्कुल ठीक है। राज्यपाल को उसको पद से हटाने के लिए प्रेसिडेंट किससे सलाह लेते हैं, प्रेसिडेंट को कौन एडवाइस देता है, अगर प्रेसिडेंट को किसके लिए, उस गवर्नर के पद से हटाने के लिए, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो, वैसे तो बेटा PM साहब देते हैं, PM साहब जैसे कहते हैं वैसे ही होता है, लेकिन संविधान में ऐसा लिखा हुआ नहीं है। संविधान कहता है, क्लास का टाइम बेटा 1:30 है, कल भी होगी 1:30 PM पर, कल भी क्लास होगी, ठीक है लेखपाल, तो भाई कोई सलाह नहीं देता, नन ऑफ दीज। वैसे PM के साहब से कहने से हो, अभी बस एक सेकंड की बात है, अभी क्वेश्चन कंप्लीट हो ही जाएंगे। देखिए अभी बिल्कुल ठीक है, अभी बिल्कुल